आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए दोस्तों। आज हमारे पास न्यू बाइक है दोस्तों, आप देख ही रहे हो। ये है रॉयल इनफील्ड की मिट्टी 350 जो कि टॉप मॉडल है, इसे बोलते हैं सुपरनोवा। ये ब्राउन कलर के साथ में आती है दोस्तों। इस बाइक का रिव्यू देने वाला हूँ, इस बाइक के सारे फीचर्स, प्राइस, माइलेज सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेकर, सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। ये रही रॉयल इनफील्ड की मिट्टी 350 जो कि टॉप मॉडल है, इसे बोलते हैं सुपरनोवा। इस बाइक का सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा 360 व्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ ये बाइक दिखती कैसी है दोस्तों। इधर से ये बाइक कुछ ऐसी दिखेगी, थोड़ा दूर से मैं दिखा देता हूँ। ये रहा इधर का व्यू दोस्तों इस बाइक का। अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ और ये रहा दोस्तों इधर का व्यू। और आ जाते हैं अभी हम दूसरी तरफ। इधर से ये बाइक कुछ ऐसी दिखेगी और थोड़ा दूर से मैं दिखा देता हूँ। ये रहा व्यू बाइक का और अभी हम सामने आ जाते हैं दोस्तों। अभी हम इस बाइक के फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ी सी हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको DRL मिल जाता है जो कि LED मिलने वाला है। ये मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। और हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर हैलोजन बल्ब पर आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो मिल जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। पहले हम चलते हैं, बाइक को ऑन करते हैं दोस्तों। ये रही बाइक की की, ऐसे आपको कुछ की मिल जाएगी जैसे हमें इंटरसेप्टर में मिलती हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अभी मैं बाइक को ऑन कर देता हूँ। मैंने ऑन कर दिया। ऑन होने के बाद देखते हैं, ऑन होने के बाद DRL कुछ ऐसे दिखेगा जो कि बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। अभी हेडलाइट भी ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। और हेडलाइट ऑन करने के लिए हमें इंजन ऑन करना पड़ेगा। सेल्फ का ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाएगा, ये किल स्विच रही हमारी। और अभी मैं ऑन करता हूँ बाइक को। बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है दोस्तों, मैं इसका एक साउंड भी आपको लास्ट में सुनाने वाला हूँ। और अभी हम आगे जाते हैं। ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा दोस्तों। पहले मैं चेक करता हूँ हाई बीम ऑन है कि लो बीम। हाई बीम एक्चुअली ऑन था, मैं लो बीम पहले दिखा देता हूँ। ये देखो लो बीम पे कुछ ऐसे दिखेगी दोस्तों। अभी मैं हाई बीम ऑन करके दिखा देता हूँ। ये हाई बीम ऑन कर दिया। हाई बीम ऑन होने के बाद काफ़ी रोशनी बढ़ चुकी है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे राइडर के लिए। और इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इंडिकेटर आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये आपको बल्ब मिल जाएगा दोस्तों। अभी मैं बाइक को सबसे पहले ऑफ़ कर देता हूँ। ये रहा दोस्तों, मैं किल स्विच से ऑफ़ कर दिया और ये KCB मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और अभी हम आगे आ जाते हैं। और दोस्तों अभी हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक फोर्क 41mm का। और रियर की बात करें तो रियर का पहले मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा रियर का सस्पेंशन। रियर में आपको मिल जाएगा ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड दोस्तों, जो कि एक अच्छी बात है। इस सस्पेंशन को अपने अनुसार 6 टाइम एडजस्ट कर सकते हो जैसी आपकी ज़रूरत हो दोस्तों। और अभी हम आगे चलते हैं। मडगार्ड पर नज़र डालें तो आपको फुल ब्लैक कलर एंड ग्लोसी फ्रेम्स में मडगार्ड देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए तो आपको प्लास्टिक एंड फाइबर वर्क किया गया है जो कि आपको ब्लैक कलर एंड मैट फिनिश में मिलता है। और दोस्तों इसके टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा दोस्तों। फ्रंट में आपको मिलने वाला 100x80 का। और रियर का पहले मैं दिखा देता हूँ। रियर का दोस्तों ये रहा। रियर में आपको थोड़ा सा वाइड टायर साइज मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छी बात है इस बाइक के लिए। रियर में आपको मिल जाएगा 140x70 का दोस्तों। और इसके व्हील की बात करें तो आपको एलॉय व्हील मिलने वाला है दोस्तों। फ्रंट में आपको मिल जाएगा 19 इंच का और रियर में आपको मिल जाएगा 18 इंच का। मुझे इस व्हील का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। ये जो आप देख रहे हो सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट, ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम इस बाइक के ब्रेक की बात कर लेते हैं। इसमें आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, और साथ में आपको मिल जाएगा डुअल चैनल ABS। डिस्क साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा 300mm का डिस्क और रियर में आपको मिल जाएगा 270mm का डिस्क दोस्तों। और यहाँ पे देखें तो आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और अभी हम आगे चलते हैं। और ये रहा दोस्तों इसका इंजन, आपको फुल ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा और मैट फिनिश में। और यहाँ पे देखें तो आपको इंजन में सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, ये भी देखने में काफ़ी कड़क लग रहा है। और ये आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है दोस्तों। और इसके साइलेंसर की बात करें तो आपको फुल क्रोम फिनिश में साइलेंसर देखने को मिल जाएगा जो कि देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और कैटलेटिक कन्वर्टर की बात करें तो ये आपको अंदर की तरफ मिल जाएगा जो कि छिप गया है, पूरा कवर किया गया है। और इंजन ये रहा दोस्तों। अभी हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको इंजन मिल जाएगा 349 cc का और आपको पावर मिलने वाला है 20.4 PS एट 6100 RPM और आपको टॉर्क मिल जाएगा 27 Nm एट 4000 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, 4 स्टॉक एयर कूल फ्यूल इंजेक्टर और साथ में आपको 5 स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाएगा दोस्तों। और ये रहा दोस्तों आपका राइडर फुटरेस्ट। और ये रहा दोस्तों ब्रेक पैड। मुझे इसके राइडर फुटरेस्ट एंड ब्रेक पैड का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और ये बहुत ही बिल्ड क्वालिटी का है दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखें तो आपको मिट्टी 350 की बैचिंग देखने को मिल जाएगी और ये आपको ब्राउन कलर में मिल जाएगा, ये आपको ब्लैक कलर में, और ये थोड़ा स्टिकर वर्क आपको देखने को मिलेगा। और राइडर फुटरेस्ट की बात करें, ये आपको फोल्डेबल मिल जाता है दोस्तों।
और ये रहा दोस्तों इसका साइलेंसर, मैं इसकी आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा आगे। और अभी हम चलते हैं टैंक पे, टैंक का डिज़ाइन आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि 3D में है और थोड़ा सा क्रोम वर्क देखने को मिलेगा। और टैंक की बात करें तो आपको ब्राउन कलर में मिल जाएगा जो कि ग्लोसी फिनिश में है। और हाफ में यहाँ पे देखें तो आपको स्टिकर वर्क देखने को मिलेगा और ये हाफ आपको ब्लैक मिल जाएगा एंड ऊपर का आपको ब्राउन मिलने वाला है। और अभी हम आगे चलते हैं और ये रहा दोस्तों इधर का व्यू, मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ इधर से कुछ ये बाइक ऐसी दिखेगी। और अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की बैचिंग देखने को मिल जाएगी जो सिल्वर कलर के ट्रीटमेंट के साथ में आती है। और ये रहा इसका टेल लैम्प, टेल लैम्प की बात करें तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। और टेल लैम्प की बात करें तो आपको बल्ब मिलने वाला दोस्तों, ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। और यहाँ पे देखें तो आपको एक छोटी सी लाइट यहाँ पे भी मिल जाती है जो कि हमारे नंबर प्लेट पे रोशनी जाती रहेगी। यहाँ पे हमारा नंबर प्लेट लगेगा दोस्तों और यहाँ में रिफ्लेक्टर मिल जाता है। अभी हम सबसे पहले बाइक को ऑफ कर देते हैं और दोस्तों आगे चलते हैं। और हमें यहाँ पे सारी गार्ड मिल जाएगा दोस्तों जो कि काफ़ी बड़ा सा है एंड बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है विद लेडीज़ फुटरेस। और दोस्तों ये रहा हमारा राइडर फुटरेस जो कि फोल्डेबल है, जैसे हमने उधर देखा था वैसे ही आपको इधर मिल जाएगा। और चैन रैप की बात करें तो ये रही चैन रैप दोस्तों, आप देख ही रहे हो। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको मिट्टी 350 की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये रहा हमारा सिंगल स्टैंड एंड डुअल स्टैंड। और ये रहा हमारा राइडर फुटरेस। और ये रहा दोस्तों गियर पैड, गियर बॉक्स की बात करें तो आपको इसमें 5-स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाले हैं। और इधर से इंजन के व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। और दोस्तों अभी हम टैंक पे चलते हैं, टैंक का भी ग्राफिक्स आपको सेम ही मिलने वाला है जैसे हमने उधर देखा था। तो दोस्तों मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी हम सामने चलते हैं, सामने से देखते हैं, सामने से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। अभी हम इस बाइक के सीट की बात कर लेते हैं, ये रही इस बाइक की सीट। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलने वाली है। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, इस बाइक को आप सिटी एंड हाईवे कहीं भी आराम से चला सकते हो। और इस बाइक में पिलियन कम्फर्ट भी आपको अच्छा मिलने वाला है। और इस बाइक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बाइक का बैकरेस्ट दोस्तों, इस बाइक का बैकरेस्ट बहुत अच्छा बनाया गया है, इससे पिलियन कंफर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ग्रेवरेल की बात करें तो आपको साइड साइड में ग्रेवरेल मिल जाएगा जो कि कुछ ऐसे मिलने वाला है, मैं दोनों तरफ से दिखा देता हूं। और दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं टैंक पे, टैंक की बात करें तो ये रहा दोस्तों टैंक, टैंक का डिज़ाइन पहले मैं दोनों तरफ से दिखाना चाहूँगा। और टैंक की बात करें तो आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा और इस बाइक की माइलेज आपको 35 के आसपास मिलने वाली है, बाकी तो डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है दोस्तों। और अभी हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ, ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको स्पीड शो करेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइम भी बताएगा, ये आपका फ्यूल का हो गया, ये आपका गियर इंडिकेटर भी बताएगा, ये आपका ट्रिप का कितना किलोमीटर चली यहाँ पे बताएगा दोस्तों। और ये आपका टर्न बाई टर्न नेविगेशन का बताएगा अगर आप ऐप से कनेक्ट करते हो तो दोस्तों। काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये आपका फ्यूल का यहाँ पे भी शो करेगा, ये बैटरी का, ये न्यूट्रल का, ABS का। और दोस्तों अभी हम चलते हैं हैंडल बार पे। ये रहा दोस्तों थ्रोटल, ये रहा दोस्तों ब्रेक लीवर, ये रहा दोस्तों किल स्विच, ऐसे करोगे तो ऑन हो जाएगी मतलब किल स्विच, एंड ये आपका सेल्फ स्टार्ट ऐसे ऑन हो जाएगा। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। ये आपका पार्किंग लाइट दोस्तों, पार्किंग लाइट पहले मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों सामने से, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी, आप देख ही रहे हो। और पीछे का भी दिखा देता हूँ मैं, ये पीछे का कुछ ऐसे दिखेगा। और अभी हम आ जाते हैं सामने, अभी मैं पार्किंग लाइट पर सबसे पहले बंद कर देता हूँ और चलते हैं दूसरी तरफ। ये आपका हाई बीम लो बीम हो गया दोस्तों ऐसे, एंड पासिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका इंडिकेटर, ये आपका हॉर्न, काफ़ी लाउड हॉर्न है दोस्तों। और दोस्तों ट्रिप सेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ट्रिप का चेंज करने का, ये आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका ट्रिप चेंज होगा दोस्तों। इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको मिल जाएगा 170 mm, और व्हील बेस है 1400 mm, और सेडल हाइट है दोस्तों 765 mm। और इस बाइक का दोस्तों वेट की बात करें तो 197 kg के आसपास है दोस्तों। दोस्तों इस बाइक का मैं आप लोगों को एक जो साउंड सुना देता हूँ, दोस्तों अभी हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको दो कलर मिलता है दोस्तों, पहला आपको ब्राउन मिल जाएगा आप ये जो देख रहे हो, दूसरा आपको ब्लू मिल जाएगा। दोनों का प्राइस सेम ही है दोस्तों। अभी इसमें विंडशील नहीं लगाया गया है, जब आप डिलीवरी लोगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी विंडशील मिल जाएगी जो कि देखने में बहुत खूबसूरत दिखती है दोस्तों। और इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, आपको एक्स शोरूम पड़ने वाली है 1,99,680 रुपये, और ऑन रोड आपको पड़ जाएगी दोस्तों 2,41,309 रुपये दोस्तों। अगर आप लोग आस पास से हो, UP से हो एंड प्रतापगढ़ से हो, तो आप इस शोरूम पर आके विजिट कर सकते हो। मैं इनका एड्रेस दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जो भी डील होगा आप बात कर लेना इनसे। और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, जाके मुझे आप फॉलो करो, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।